लिखिए, महोदय आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहे और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें, तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, स्वाभाविक ही है। अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ, उस समय उन्होंने और सब चीज़ों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहां एक ओर अंग्रेजी राज सीधे तौर पर चलता था, वहां दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीं। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझे जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है, और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उसकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है।